ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है बुलेटिन में। जोधपुर के भोपालगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ। भोपालगढ़ से आसोप जा रहे दो वाहनों में भिड़ंत हुई। सड़क हादसे में तीन की इसमें मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। आसोप भोपालगढ़ मार्ग पर यह हादसा हुआ। पाली के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में पाली सोजा हाईवे पर बेकाबू टैंकर ने चार युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिनका बांगड़ अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे की सूचना पाकर ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं इस दौरान एक युवक को गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया। ये कोई दूध का टैंकर है, अमूल दूध का, जो ये जूनागढ़ गुजरात से लेकर हरियाणा जा रहा था। तो ये रंगरसिया होटल है, ब्रिज से उतरते ही तो ये कोई साइड में कोई पंचर निकाल रहे थे, तो एक ट्रक वाले थे दो, तो और दो पंचर निकालने वाले थे, तो ये इनको चपेट में ले लिया। तो एक की तो अभी डेथ हो गई है, बाकी तीन अभी घायल है। उदयपुर रेंज की पुलिस महानिरीक्षक विनीता ठाकुर ने कम्युनिटी पुलिसिंग टू बिल्ड अवेयरनेस एंड ट्रस्ट कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की प्रचार सामग्री का विमोचन किया। ये कार्यक्रम बाल संरक्षण और कोविड-19 से बचाव के लिए चलाया गया है। इस मौके पर विनीता ठाकुर ने कहा कि पुलिस विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से कोविड-19 के जागरूकता पोस्टर्स तैयार किए गए हैं। इनमें बच्चों के साथ ही स्कूलों, घरों, पुलिस थानों और पंचायत स्तर पर जागरूकता के लिए बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र विश्नोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वाति शर्मा, यूनिसेफ की बाल संरक्षण सलाहकार सिंधु विनुजीत समेत कई लोग मौजूद रहे।